चेतन राजा का दस्तान बाबा, श्रोता सुनो लगा के कान, दोनों प्राणी रहले बाज बाजिन श्रीमान। बहन भी रहा सुनू रचत और सब लोग भाई लोग सुने। सतयुग में एक चेतन राजा रहे, उनके रानी का नाम रहा चेतना, लेकिन मालिक की कृपा ब्रह्मा के लेखनी का कमाल रहा कि बाज बाजिन रहे तो पुत्र नहीं भय। चेतन राजा अपने रानी चेतना से कहे, वेद के चीज या कोनो काल्पनिक कहानी नहीं है। गंगा या स्नान करे जात है तो लोग ताना मारत है कि बछवा बछनिया रह जात है नहाय। एक दिन चेतन राजा सुन गए नूरजहां, तो चेतन राजा के ही विचार भ कि जब हमके दुनिया ताना मारा था तो अपने औरत से कहे चले आज गंगा जी में डूब के मर जावा जाए, रहे बांस और न बाजे बांसुरी। बांसुरी इतना बिटवा के लोगों के चिंता होते, तो बिरह जगत में टेरी के भाव भा कैसे। ललनवा नयानन में हमारे, ये बिरह सकल देशवासी पूरे भारतवासी के लिए माताएं बहन हर एक बिरादरी और समाज के लिए सुदई राम यादव भेजता कि समझें कि ये दास्तान कैसा है और कैसन भी यही औरत होत है। ललनवा नयांगन में हमारे, राजा रानी करते गंगा ये सनवा। ललनवा नयांगन चिंता बा, राजा रानी परेशान है और गंगा स्नान करे जात है, यही मन में संकल्प लेते हैं कि आज दोनों प्राणी डूब के मरब। तो रानी कहत है का कि बाझा बझिनिया का है, बाझा बझिनिया का मेहना छोड़ाव पिया, बाझा बझिनिया का मेहना छोड़ाव पिया, गंगा जी में डूबी आज तजब परना। यही सोचत राजा रानी गए गंगा या सनावा, है सोचत राजा रानी गए गंगा के सामनावा। राजा रानी करे लागे यही मन में गुनना, सारी दुनिया मारे आज हमके मेहनावा, सारी दुनिया मारे आज हमके मेहनावा, गंगा जी में डूबी अपने हम तजब पर। नेकुरा तकी पानी में ओलियाई गईले दूनों जाने, तबले प्रगट भैली गंगा जी मायना। तक पानी में राजा रानी चेतन राजा रानी चेतना जब गंगा जी में डूब के मरे के पयान कसिन, नासिका तक जब पानी मोलियाई गई तो गंगा जी प्रगट हो गई। कहे राजा साहब रुक जाओ राजन, ये हमारे गोदी में तुम जान क्यों दे रहे हो। तो चेतन राजा कहे
कि माता जी हमरे कोई औलाद नहीं, हमके दुनिया ताना मारता, तो हम का करब जी के। जिये से बढ़िया तो बेहतर मरना है। जब सारी दुनिया हमके नहीं मार दे तो हमार जीव अब कोनो जीव नहीं बा। गंगा मैया प्रगट होके कहे जा राजा, एक शर्त हमसे कर, कहे का, कहे तोहरे 8 बिटवा और 1 बिटिया देत है। ये गंगा जी अब ब्रह्मा नहीं लिखे हैं, एक गाना में समझत जा, अभी ब्रह्मा के लेखनी ओखनी नहीं हो। गंगा जी के रहा ब्रह्मा के बिटिया, एक नोट कर ले। गंगा जी हो? हाँ, गंगा जी ब्रह्मा के बिटिया है ना, वहां मत पूछा नहीं, अभी दूसर बताओ लगा। गंगा जी है सगे ब्रह्मा के बिटिया, विष्णु और शंकर जी के भतीजी। ध्यान दे, ये गंगा जी अपने शक्ति से 8 लड़का 1 लड़की दे दी राजा के। सवाल का रखी कि जेठ बिटवा 1 थे हमार और 7 बिटवा 1 बिटिया तोहार। मतलब पहले ठीक हमार रहे। हाँ, पहले ठीक लड़का हमार रहे। चेतन राजा स्वीकार कर लेन कि माता जी एकदम जा, जेठ बिटवा तोहार और 7 बिटवा हमार। बात तो हो गई। अब ये घरे आए, मालिक के कृपा से 8 लड़का 1 बिटिया पैदा भए। धीरे धीरे बच्चा सयान भए, 7 लड़का के बियाह कई देहन। धीरे धीरे राजा तो राजा रहे, और 1 लड़की जो रही बिटियो के बियाह कई देहन। लेकिन जो जेठ बिटवा गंगा जी अपने के ले रहे, उही लड़का के एक तिल कहार ही नहीं आवे। गाड़ी भौरी रही हो, वहां लड़का के तिल कहार ही नहीं आवे। राजा बड़ा परेशान है। हितनात कहे कुल बिटवा दिए ही ले है, लेकिन 1 बिटवा नहीं दिए। एक रणुआ रखे है। अब राजा लज्जित हो लागे, तो हितनात जुट के उहू लड़कवा के शादी रचाई दे। बीच में गंगा जी है या चेतन राजा का किला यहाँ पार, और जोन ऊ राजा का किला बा लड़की वाले का गंगा वहाँ पार। मतलब जैसे यहाँ पार वो पार। हाँ, जैसे यहाँ लंगे वहाँ लंगे भोजपुरी भाषा में। अब शादी तय हो गई। जब बारात चलता तो सारंगा का भाव बा बेटा, कैसे जात रहा दादा पंधारी निकाले रहने के, कैसे कहे माई कहे की बिटिया तो है नियरे बियहबे, लेकिन बाबूजी कहलनी बड़ी दूर हो। यही के हैदर अली उस्ताद गाए रहे कि माई का कोखिया होली कोहरा कयाऊआ हो, बाबू कहीं मगिर पहाड़ हो। लेकिन पूर्वांचल के कलाकार भैया हो, इतना ही नहीं, एक पूर्वांचल के कलाकार गाओ, झझड़े मरुआ जिनी छवाया ये बाबा, लगी है सुरजुआ के घाम हो। लेकिन हम बदल के गाओ। कवा बदला भाई, हम बदल दिया है। बदल दा, एक पत्ती बढ़ाए दी बेटा हमारी दुनिया। देखिए हम बदले रहे का, अरे केतन सजा लिटिया अपने तन पे गहनवा, लेकिन सिनुरा बिन पूरी
छवा बिटवा गंगा जी के उन्हीं के परात होता, चलत सच के बरात। कहना है का जोड़ा यो जामा सो है आखी कजरावा हो, जोड़ा यो जामा सो है आखी कजरावा हो, मुड़वा पर पौरा सो पहला वाला। लेकिन बरात चौरा पर से सज के माई बहन गीत गौनई गाय के परछन करके बरात छोड़ दी। अब बरात जाए के बाद गंगा वहां पार, तो बीच में गंगा है तो सवारी कौन बा, नौका नी डोंगा के बा। ये कई डोंगा पर दुल्हा बराती सब हो गए और गंगा लखत रहन की कहे रहन की एक बिटवा हमार और कुल। जब आधे गंगा डोंगा पहुंचा तो डोंगोई अड़ी गए, अब न डोंगा आगे जाता न डोंगा पीछे, अब डोंगा अड़ी गए। अब सब चिंता में है, तब वहमे से गंगा जी प्रगट भइन फिर पानी में से। कहे राजा कहे रहे तोसे कि जेठ बिटवा हमार और साथ बिटवा तोहार, तो भूल गया तू हमारे बिटवा का ही बियाह करत है। तब चेतन राजा के ध्यान भ कहे ओ ते गलत होई गे, तो कहे आज डोंगा बोरब कुल बराती दुल्हा कुल संगे मुआऊ। चेतन राजा कहन कि नहीं माता जी, बरतिया छोड़ द जाई बियह के लौटब दुल्हा कहेस दुल्हवा हाथ जोरेस कि माता जी जाई दे बियाह कई के लौटत है तो कोनो दूसर रास्ता तो बा नहीं आऊ तो तोहरे घाटे। तो आज डोंगा छोड़ दे जात है अपने दुल्हन से बिया कैले, और काल दुल्हन ले आई के आओ तो बराती एक डोंगा पर, और हमार दुल्हन अकेले एक डोंगा पर, और हम अकेले एक डोंगा पर रह तो तू हमें बोर के मुआ दी। गए बड़े प्रेम से अपने दुल्हन से शादी किए राजा का लड़का, और जब परात लौट के आए संगे लाग दुल्हन भी आवता, तो दुल्हन दूसरे डोंगा पर और राजा का लड़का अकेले दूसरे डोंगा पर और बराती कुल दूसरे डोंगा पर। तो जब दुल्हा का डोंगा आधे गंगा पहुंचा तो डोंगोई भूड़ी गया दुल्हवा का। अब देखा ध्यान दे दुल्हन संगे लाग बियाह कह के आवो था, ध्यान दे है। और जब डोंगा भूड़ी गया बीच धारा में, अब तो दुल्हन विधवा हो गए, माफ करना दुल्हन के डोंगा यहाँ पार उतरी गई। अब तो रोवाई शुरू हो गई, हल्ला हो गया कि डोंगा बुड़ गया दुल्हा के डोंगा बुड़ गया। तिवारी महाराज दुल्हा के डोंगा बुड़ गया, अब हल्ला हो गया तो टेरी में बिठवा भाव देख पड़ते कैसे शेर पूछा है। नैहर सासुर भई रोवाई, दुल्हनिया के ससुरे रोवाई होता नैहर, और नैहर खबर गई तो हरो की भैया दुल्हवा डोंगवा गंगा जी में बुड़ गया। नैहर सासुर भाई रोवाई और दुल्हन विधवा हो गई भाई, ललनवा नयनन में हमारे
सिंदूरा खोवाई रानी मर गई लेन साजन सजनवा ललनवा न आंगन में हमरे उही करारे पर से फिर दुल्हनिया के डोंगा लौटाई देन चेतन राजा कहे बिटिया जब हमार लड़की खत्म हो गया तो है क्या करब रखे अब तू का करबू चल के तू यहीं से फिर लौट जा अपने नैहरे तो दुल्हनिया तो चली आई नैहरे ध्यान दे बराती कुल चला गए अपने घरे चेतन राजा आए न अपने घरे लेकिन उनकर जेठ बेटवा जोन गंगा जी में बुरा बा तो गंगा जी किहिन का जब ओके अपने गोदी में ले ली तो ओकरे नाम से अपने करारे पर एक मंदिर और एक सेवाला बनवाई दी गंगा जी एक मंदिर और एक सेवाला सेवाला दोनों बनवाई दी तो जब बन के माया से तैयार हो गई गंगा जी की कृपा तो ओके रात की जौने के डुंगवा बोरे रहे ओके करत काहिन गंगा जी चाउर दाल पिसान चिउटा कराही बर्तन भगोला डेचकी लोटा बल्टी कुल दे दी आलू भाटा सब कहा लेके जाओ तोहरे नाम से मंदिर और सेवाला बनवाए है उही मंदिरे में तू एक काम ही करा कर कब तो तोहे मुआई दे है तो जब सोई जाए सारी दुनिया तब तू 12 बजे रात निकल के जावा कर और कुल सामान ले को मंदिर में बनवा खावा कर और 3 बजे 3:30 बजे तक कोई सेवाला में रहा कर और जब 3:30 बजे जान लग सब गंगा या स्नान भो रही में कर आओ और तब पट से तू आ जावा कर हमरे लगे गोदी में ऐसे ही लगा कर एक दिन ओकरे ससुरारी का एक औरत आई यहाँ पर कोनो काम बदे और शाम के बेला में जब जाए लगी तो निहार होई के डोंगा गा छूट का करे अब वो कहाँ जाए तो सब दूसर साधन तो बाना ही उही सेवाला में वो रह गई और जब 12 बजे रात चिउटा कराही पिसान चाउर दाल लेके वो निकला नंगाई मंदिर में आई जब भोजन बनवे लाग तो वो करे ससुरारी वाली औरत या चीनी गई कि अरे मोरी माई रे इता वो है राजा के लड़किया से जो लड़कवा सदिया के रहा आई फलनवाक दम दबो तो हो इता वो है लड़कवा हो लेकिन वो भोजन बनाई के ते अपनो भोग लगाए सब हूं औरतियों के खियाए तो जब ये औरतिया के खियाए तो वो औरतिया पूछा था कि भैया तुहार आज एकाक महीना के पहलवा फलाने राजा की यहाँ तुहार बिया भर रहा का तो लड़कवा कहता हाँ कहे भैया तो तुहार डोंगा बुरी गया रहा तू मर गए तो हम मंदिरवा में कैसे आए तो कहे हमें गंगा मैया आदेश दे आई हम 12 बजे से 3:30 बजे भर अनि 3.5 घंटा हम रह हम हिस्से वाला मंदिर में रहब रोज हमारे यहाँ ड्यूटी लगी बा कहा ठीक अब सवेर भाई औरतिया गई वो करे ससुरारी वाली तो करे मेहररुआ से बताई दे कहे ये बन्नी ये बिटिया जैसे तोर बियहवा भ न वो तोर आदमी उही सेवलवा में उही मंदिरवा में आवत है तो दुल्हनिया पंचो ध्यान दे उ दुल्हनिया कहे कि चल के हमें दिखावा तो दूसरे दिना ओकर मेहररुआ और गौना के औरतिया दोनों आई गई मंदिरवा में और दिन भर यहाँ बैठी है जब रात भर 12 बजे तो उस सहे निकला ओकर तो ड्यूटी बा और जब आई हूँ तो फिर भोजन बनाए तो तीनों जने के खियाए अनि दोनों औरत और अपनों खाए 3 जने हो गए तो सवेर भर तो करे गांव वाली औरतिया कहे अब चल वो गए पानी में तो दुल्हनिया कहे जा जा अब हम न जाब तो ओकरे ससुरारी वाली औरतिया चली गई लेकिन ओकर बियही औरत तो ही मंदिर में रही गई
तो रोज वो पानी में से निकले तो वहां मंदिर में अब के बचा था खाली ओकर औरत और पति तो बनवाई खाए चार घंटा मरे पर के बिरहा समझ सज्जन मरे पर अपने मेहरारू के लगे बोले बतियावे सोवे बैठे कुल करे वाह गोड़ हाथ कुल दबवावे और ओकरे बाद धीरे धीरे महीना पंद्रह दिना में मुर्दा से ओकरे बियही औरतिया के लड़िका रही गए जब लड़िका रही गए पेटे में मुर्दवा से और जब लड़िका रही गया तब दुल्हनिया के पेट फूले लगा तो दुल्हनिया कहे कहो स्वामी तू तीन बजे साढ़े तीन बजे पानी में चला जाते है तो फिर राते रात ही आवत है और हमसे भोग विलास कही दे हमारे पेटे में लड़का रही गए अब हम ही लड़का लेके जाप कहा तो एक दिना ओकर पतिवा वह मुर्दवा कहत काबा कहे तू अब हमारे ससुर घरे चली जा अपने ससुरे अब तू हमारे घरे जा और अपने ससुरे जा तो दुल्हनिया कहे सासु हमें चिन्हे नहीं हल्ला हो गए डोंगा बुड़ के मर गए आप तो हम ससुरे कैसे जाई कहे जा हम जुक्ति बतावत है जुक्ति का बतावत है तर्ज बैठे भी रहा हमें कमो कमो के माई बहन बड़ा लहाई के गाए रहे कैसे अरे मोरी गोइया अरे मोरी गोइया हम तीनों गुण गाया अरे मोरी गोइया रहिया में एक साथी देखा
पिताजी से न उठे कुरुई मांग के ले आए, कहे ये कुरुई बेचत की चली जा जा। और हमार महतारी कुरुई के बहुत शौकीन बा, वहाँ जमाने में प्लेट कप पे इतना नहीं खुल रहा ना है। तो लोग काशी का कुरुई बनवे हित्ते नाते पानी पिया दे भौंकी कुरुई। तो गंगा जी से नौ कुरुई नौ कलर के मांग के लिए अपने मेहरुआ दे दे। और जौने घरे में वो राजा का लड़का सोवत रहा उलरत बैठत रहा, वहाँ घरे के चाबी अपने ले रहा। तो जब डोंगा बुरा रहा तो उकर चाबी तो घरे लगे रही। खूब ध्यान देते अपने घरे के चाबी अपने बियही औरत के दे दे। कहे कुरुई बेचे चली जाओ, हमारे घरे के ताला खोल ली हूँ और तू हमार मेहरारू हो हमार बियही हो तो हमारे घरे में रहू। अच्छा वो कुरुई लेके चाबी लेके चल दे सब ससुरे जाता। और जब ससुरे जाता तो कहना है का बाबू रामदेव उस्ताद का तर्जबा कि हमार बलमू हमार बलमू रात काहे ना आईए। सासु ले ली। तब वो कर पतोहिया कहता मुर्दवा के औरत कहिए अम्मा कहे का कहे तू धर्मात्मा रानी हो ना। धर्म बा तोरे हृदय में हमारे पेटे में बच्चा बा। अब हम कहाँ जाब, एक काम ही कर कि हमें एक छे घर दे दे तू तो हमार वही रही तुम्हारी लड़कवा हो जाते तो हम जाई ना। चली जाई तोरे घरे से कहे कहा ये बिटिया हमारे एक को घर नहीं बा, ये कई घर खाली बा ऊंचा भी नहीं ने इतना बड़ा राजा का घर और राजा का ताला। कहे बिटिया बहुत है भी ताला लगाबा और वहाँ चाभी हमार लड़का ले रहा ओकर डोंगा बुड़ गवा और चाभी चली गई आज तक ताला खुला उला नहीं। तब ओकर पतोहिया तो मुर्दवा दे रहा चाभी अपने घरे का, कहे अम्मा हम ताला खोल दे तो हमें वहाँ घरे में रह देबू। कहे हाँ अबू का जाने की चाभी ले बा, क्यों हाल जनता ने बा बिरहा समझ तो कहे जा खोल रहा वही घर आ। और गई पट से चोराई के चाभी बताएस नहीं कि हम दे हैं और लगाएस ताला में तो ताला खुल गया। वो लिया गई घरे में रनियोवा कही अरे मोरी मावा रे इतना है भी ताला के था से खोले। तो जाना तक हमारे बेटवा मरा बा चाभी तो चली गई थी खोलिस कैसे वही घरे में रह लेगी। अब धीरे धीरे लड़का का दिन निराता। अभी मुर्दवा जब आवे यहाँ तब अपने मंदिर सेवाला में करारे पर तो भोजन बनवे 12 बजे रात बनई के खाए ले तो सौरी में अपने मेहररुआ के लेके जाता भोजन। वाह
अब देख हाँ। सौरी में लग जाता है अपने घरे आवता सेवाला छोड़ दिए सेवाला में बनो हाँ। और खाई ले थे अपने मेहरारू के लेके कहाँ आवता अपने घरे भाई अब ओकर जन्मा लड़का ना वहाँ पैदा भवा हाँ। ध्यान दे जब वहाँ ओकर दिन निहरान तो करे बच्चा पैदा भा ध्यान दे मुर्दा के लड़का हो गए लड़का पैदा हो गए मुर्दा के कहानी करीब चलता देखे जनरेटर न बंद हो पाओ ऐसा और जब वहाँ लड़का पैदा हो गया तो ऊरनियोवा अनि ओकर सास एक चमाइन लगाई देस मीजे जदे ना पतोहिया के हाँ पतोहिया बदे वो नहीं जानता हमार सब गई पतो हुआ है वो तो जानता हमार बिटवा डोंगा बुड़ी गया तब उमरी गया तब हमार पतो कहाँ जाए ना वो का जानता ये कुल कब है खेला और जब चमाइन लगाई देस मीजे बदे तो सौरी में पहले नारा खेड़ी काटे चमाइन मीजत रही ना बारह दिन सौरी में तो एक दिन मीजत मीजत तू ही रह गई मीजई वाली दासी वो अपने घरे नहीं गई और ये हर पानी में से निकला बारह बजे रात से वाला में भोजन बनाए खाए और अपने मेहरारू के सौरी में लेके आई गए बारह तेरह दिन बीतो रहा तो हाँ बारह दिन के भीतर आई और भोजन कराए अपने मेहरारू के और अपन बेटवा खिलाए अबे बरही नहीं बीती बत तो मीजे वाली नौकरानी दासी ऊंची नहीं गई कि तो राजा के बेटवा अब सवेर भत रानी से बताई देस कि रानी साहब तोहार बेटवा आज आई रहन कौन जौन डोंगा से बुला रहे कहे तक कहे हाँ बारह बजे रात और सौरी में अपन लड़किया खिलाए न अपने मेहरारू के भोजन कराए नरे हाँ कभी जाए रहे का ठीक बारह साढ़े बारह बजे रात आए न अब ओकर महतरिया मुर्दवा ओकर मेहरारू दुआरी पर कंकड़ बिछाई के वही पर सोई गए ताकि नींद न आवे अब कंकड़ पे तो नींद आए ना वही सोई ठीक बारह बजे रात ही मुर्दवा आई गए और जब एक बेटवा जो मरा रहा गंगा जी में भोजन लेके आई गए सेवाला में बनाई खाई के अपने मेहरारू के लेके तो महतरियो चीन ही गई कि तो हमारे बेटवाया और जब खाई खियाई के और भोला बतियान जब साढ़े तीन बजे जब गंगा जी में जाए के भा और दुआरी के से निकला तो महतरिया लपेट के भाई है अरे कहे बेटवा तू कहाँ जात है इतना दिना पर तू आये कहाँ जात है तब मुर्दा कहता कि माता जी आल्हा में कैसे कहता हमारे बेटावा ना का गाना कौन बा हमारे बेटावा ना का पानी दे बरहिया माई हम तोहार बिटवा है मर गया है गंगा जी में से आई है निकल के अई हमार मेहरारू हुआ ये तोहार सग गए पतो हुआ ये कोनो ना लाए के औरत नहीं हाँ कहें अरे बिटवा कहें हाँ ये हमार भी यही औरत या मेरे दोस्त लेकिन कहीं कहीं कहा गा बा कि भी यही से बढ़ के प्रेमिका निकल गई है समाज में ऐसा वेद इतिहास गवाही यही से बढ़ के प्रेमिका निकल गई है निकल गई है सौ करे ऐसा प्रमाण पर हाँ घरों में नाश कर दिए हैं घरों कतो नाश करे हैं कतो आगे निकल गए कतो घर बसाए हैं कतो घर उजारे हैं इतना नारी का काम या लेकिन कहना है का और का कहता हूँ माँ पहला ने होता गंगा जी के तीहु महतारी हमारी हमरे बिटवाक बरही कह दे कहा ठीक बेटा कह दे
तो चला गया पानी में और यहर जब 12 दिन बीता तो बरहे दिन बरही फन गए सब संत महात्मा गांव देश और राजा के लड़की नाती के बरही बा तो राजा के नाती के बरही बा तो हलकार बरही होए खूब जम के भंडारा भ सब संत महात्मा खाए जय जयकार किए और हमें गंगा जी आई गई वो दुई कोर प्रसाद लेन बिरहा के अखीरी मोड़ बा एकदम लास्ट समझ तो बिठौना के खिलाई के गंगा जी और ओके वरदान का दे दिन मुर्दवा के लड़कवा के वरदान दे दिन कहे जा बेटा तू अजर अमर हो जा अनि इतना सुंदर मुर्दा के लड़का रहा ओके वरदान दे दिन की जा तू अजर अमर हो जा अमर हो जा और तब दुल्हनिया अनि मुर्दवा के औरतिया गई गंगा जी के गोर धरे तो के कह दिन कि तू जा बिटिया सदा सुहागिन रह यही गड़बड़ाई गई अखंड स्वभाव रहे जब ओके कह दिन सदा सुहागिन रह तब मुर्दा के औरत कहे अरे माता जी हम सदा सुहागिन कैसे रहब हमारे पति के तो तू डोंगा बोर के मुआई दी हुई तो हमारे लड़का के अजर अमर कह दू हम ही उन्हीं के औरत है ना जेके तू मुआए हो तो जब हमारे पति तू मुआए दू तो हम सदा सुहागिन है ही कहा कैसे रहब तब गंगा जी कहे अरे वह जो मुआए है अठवा बिठवा राजा का तई उन्हीं के मेहरारू है कहे हाँ गंगा जी कहे तब सदा सुहागिन कह दिया अम्मा मिला फंस गया कहे छ रह जो गंगा जी माया से उड़ान लेन गईन ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के लगे अपने पिताजी के लगे तो वहां उनका मातारी बैठी है सरस्वती गंगा जी के और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में और गंगा जी के भाई के रहा नारद जी सब इकट्ठा परिवार भय कहे पिताजी तनी सा एक मुर्दा का देखत जब फाइल थे जब खसरा खतियों ने देखे तो कहे अब एक तो गंगा जी में खत्म कहे पिताजी अब गड़बड़ हो गया कहे का कहे अपने पत्रा में जहाँ ओकर मृत्यु लिखे है अब वही काट के जिंदा लिखे ब्रह्मा कहे अब ऐसा न हो कहे ना ना अब हम सदा सुहागिन मुर्दा के मेहरारू की बनाई दिया तो सदा सुहागिन तब होए जब तू पत्रा में सही लिखबे तो तू लिख ब्रह्मा कहे बिटिया हम अपन विधान न पलटब गंगा जी कहे ब्रह्मलोक में कहे आग लगाए के पूरा ब्रह्मलोक फूक दे तुहार बिटिया आई जल्दी पत्रा बदल का करे बिटिया ऋषि आई गई तो बापे के मजबूर हो के पड़ा तो बिटिया इतनी क्षमता रखे कि अपने पिताजी के बात के टलवाई के और जहां मुर्दा के मृत्यु लिखा रहा वहां जिंदा लिखे पड़ा फिर से और जिंदा लिखवाई के अपने हाथे अपने आंखी से पढ़ के और फिर आई आई तब आईन अपने गोदी में तब वह मुर्दा वहां मरा जीव आत्मा होकर बैठा रहा कहे ले बेटा अब तो है काया दे थे अब जा अब जा तू जिंदा हो गया अब तो हर डोंगा होगा कब न बोर अब जा गंगा जी काया दे के और कहे जा अपने बाल परिवार में तू अपन बिठवा खिलाओ मजा ले अब अपने मेहरारू संगे रह राजपाट कर हम जोन करबे रहे तवन कई गए दादा पंधारी के खड़ी शैली में कैसे बा हलिन परिदान अरे जिंदा कई के गंगा रनिया पायसी आपन ऊपर निया हो गंगा रनी ये इस गाने का शीर्षक अद्भुत गाना गाने का नाम क्या होगा इसका शीर्षक मुर्दा से पुत्र पैदा मुर्दा से पुत्र पैदा पैदा और जो भाई हमारे नेट पर इस गाना को समाज में भेजेंगे हम सकल भारतवासी देशवासी हर एक बिरादरी को सुदई राम यादव गोपीगंज भदोही से आपका बेटा आपका परिवार कहीं इस गाने में टूटियां पाए होंगे क्षमा करेंगे और जिन भाई को गाना का आवश्यकता पड़े
तो आजकल विरह करावे वाले में भी बड़ा कुछ भड़ाई हो गई बा, तो डायरेक्ट मोबाइल से बात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर हमारा है 9935258141, 9935258141। कोई सज्जन इस गाना को नेट पर देखेंगे बात कर सकते हैं। गुरु घराने का परिचय है बेटा, कैसे महाबली गुरु पंचम मक्खन, महाबली गुरु पंचम मक्खन राम आधार पुजारी। अब प्यारे लवन कलम चलावे फुलवारी ललनवा नयनन में हमारे, अरे सुदई आदो पूजा स्वामी का चरनावा सजा बरंगदार हो, काली माता के दिलन हो जाए ना। मंदिर सजा बरंगदार हो काली माता दुअरवा, मंदिर सजा बरंगदार हो काली माता दुअरवा, मंदिर सजा बरंगदार हो काली माता दुअरवा। नर नारी पूजा करई रोज भाई, नर नारी पूजा करई रोज भाई, नर नारी पूजा करई रोज भाई, हंसी खुशी कृपा करई काली माई। तिवारी जी महाराज के छोटे भाई, आप साधु तिवारी जी, 200 रुपए का पुरस्कार ये सिंगार गीत पे, बहुत बहुत प्रणाम है, कहना है का राजिंदर तिवारी, अरे बिरह कराए साल है 16वां तहार है 16वां बरिस, साल है 16वां, अरे सुदई बुलाए साल है 16वां, अरे सुदई के बुलाए साल है 16वां, अरे सुदई के बुलाए। साधु दिए हमें पुरस्कार हो, साधु दिए हमें पुरस्कार,